गुड इवनिंग। हम लोग आज साउथ इंडिया के रिवर्स पढ़ेंगे। ओके, गुड इवनिंग। हम लोग आज साउथ इंडिया के रिवर्स पढ़ेंगे। तो साउथ इंडिया के रिवर्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले साउथ इंडिया का पूरा मैप बना लिया जाए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से बहती है, कहाँ से निकलती है, फिर ये चेक करेंगे। ठीक है, चलो ऐसा कुछ आपको साउथ इंडिया का इंडियन पेनिनसुलर पार्ट आपको दिखे। अब देखिए, पहले मैं आपको दो चीज बता दूं। यहाँ पे वेस्टर्न घाट है लगातार, वेस्टर्न घाट है। यहाँ नासिक के आस पड़ोस नासिक जिला पड़ता है, यहाँ से वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट क्या है? कंटिन्यूअस माउंटेन, लगातार माउंटेन। इसको सिर्फ और सिर्फ आप पास से पास कर सकते हैं। पास क्या होता है? पतला सा रास्ता जिससे हम लोग पहाड़ के एक साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं। पास इज ए नैरो पाथ ऑफ इज ए नैरो पाथ थ्रू विच वन कैन क्रॉस अ माउंटेन। तो आपको डिफाइन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक पास है, इसका नाम है थाल। फिर यहाँ एक पास है, इसका नाम है बोर। और फिर यहाँ एक पास है, इसका नेम है पाल। तीन पास है, कौन से? तो वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या है? नदी का किनारा है कि समुद्र का किनारा है कि पहाड़ है? वेस्टर्न घाट पहाड़ है, ये कंटिन्यूअस माउंटेन। ठीक है, इधर आपका अरबियन सी है, इधर आपका अरबियन सी है। ये जो किनारे किनारे एरिया बचा ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ऐसे ही ईस्टर्न घाट लगातार नहीं है, यहां पे माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन, ईस्टर्न घाट लगातार नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े में। ठीक है, ईस्टर्न घाट लगातार नहीं है, टुकड़े टुकड़े में। इसका नेम मैंने आपको बोला कि वेस्टर्न घाट है, और इस ये सारा जो माउंटेन है इसका नेम क्या है? ईस्टर्न घाट है। ठीक है, और ये जो पीछे इस समुद्र का पार्ट है इसका नेम हम लोग क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। अब देखिए, साउथ इंडिया में जो भी नदियां बहती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। कैसी नदियां? पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुला को हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं। पेनिनसुला क्या होता है? एन एरिया सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, तीन साइड से पानी से घिरा हुआ। एक साइड ये इंडियन ओशन है, इधर में वाटर, दूसरा साइड बे ऑफ बंगाल, तीसरी साइड अरबियन सी। तो तीन साइड से पानी से घिरा है ये। तो इस पूरे एरिया को, गुजरात से लेके यहाँ वेस्ट बंगाल तक के एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग? पेनिनसुला बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो, ये वेस्टर्न घाट और ये क्या था? ईस्टर्न घाट। माउंटेन है कि घाट है? ये माउंटेन है। अब ये कंटिन्यूअस है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन है नदी वगैरह बीच से बहती, तो इसको इरोजन कर दिया, काट दिया। ठीक है, ये जो पहाड़ी है इसका नेम है नीलगिरी हिल्स। पहाड़ी का नेम ब्लू माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है अलाई मुदी, और इसका ऊंचाई है 2695 मीटर। और नीलगिरी हिल्स का सबसे ऊंचा चोटी है डोडा बेटा, इसका ऊंचाई है 2637 मीटर। वेस्टर्न घाट माउंटेन है ना, इसका ऊंचाई सबसे ज्यादा क्या है? कौन सा चोटी? और नीलगिरी हिल्स का डोडा बेटा। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है उड़ीसा में पड़ता है महेंद्र गिरी, और इसका ऊंचाई है 1501 मीटर। कष्ट भी दिक्कत नहीं ना? यहाँ ये तीन माउंटेन आपको दिखा। अब नदियों की बात करें। अब नदियों को, पेनिनसुलर रिवर्स को दो टाइप में बांटा जाता है। एक जो निकलती है पश्चिम से और गिरती है जाके बे ऑफ बंगाल, दूसरी जो निकलती है पूरब से और गिरती है जाके कहाँ पे?
अरब सागर। तो पेनिनसुलर रिवर्स को दो पार्ट में बांटा गया, किसके आधार पे, कहां वो फॉल होती है, बे ऑफ बंगाल में फॉल होने वाली या फिर कहां फॉल होने वाली, अरबियन सी में फॉल होने वाली। तो पहले हम लोग अरबियन सी में कौन कौन फॉल होती है इसी को देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ अमरकंटक, हाँ एक जगह जहाँ से सोन निकलती थी अमरकंटक मध्य प्रदेश, यहाँ से नदी निकलती है, बहुत पवित्र नदी है, नाम क्या है, नर्मदा, नदी का नेम। इसी पे एक बड़ा सा डैम बना है, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। और इसी सरदार सरोवर डैम जहाँ बांध बना ना, उस पर जहाँ पानी निकलता है, वहाँ पे एक आइलैंड है, उस पर इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैच्यू बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। समझ में आया? मुझे लगता है एक बार बोर्ड स्टेज पे भी मुझे बोलना था उसी पे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे स्कूल में, इसी पे था सर मेरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तभी आगे आके बोले मुर्गे नहीं थे बुझा, अच्छा आवाज ही इतना, भगवान कुछ तो दिए धन कर, आवाज नहीं गाने लगी थी, चिल्लाने लायक तो है। तो ये सरदार सरोवर है, नर्मदा अमरकंटक यहाँ। चलिए नर्मदा के पैरेलल, नर्मदा और नीचे एक नदी आएगी ताप्ती, इसके बीच में माउंटेन रेंज है, नेम है सतपुरा, पहाड़ का नेम सतपुरा। इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है पंचमढ़ी के पास, नाम है धूपगढ़। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में एक जगह है हिल स्टेशन, वहां पे इसकी सबसे ऊंची चोटी है सतपुरा की, नाम क्या बोला मैंने, धूपगढ़, धूपगढ़। अब देखिए तुम, नर्मदा निकलती है किससे, अमरकंटक, अमरकंटक कहा, कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में, गिरती है किसमें जाकर, अरबियन सी। ये वेस्ट फ्लोइंग, इसको बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की दिशा, पूरब में निकली और पश्चिम में आ रही, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी, नर्मदा। नहीं समझ में आ रहा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर अगर बे ऑफ बंगाल में गिरेगी तो उसको बोलेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और अगर पीछे गिर रही तो उसे क्या बोलेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब देखो मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है बैतूल, एकदम बॉर्डर एरिया है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बैतूल, यहां से नदी निकलती है, और नदी का नेम क्या है, इसका नेम है टापी, नदी का नेम टापी, इसको कैपिटल में लिखना चाहिए, नदी का नाम नहीं लिखना। इसी के किनारे बसा है तुम्हारा शहर सूरत, समझ में आया क्या, सूरत शहर समुद्र के किनारे भी है, याद करो मैप पे बताते थे इसके लोअर पार्ट में सामने सूरत है, किसी को याद नहीं, सब भूल गए। सबसे लंबी नदी वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा, और सेकंड सबसे लंबी कौन है, ताप्ती। इसके बाद वेस्ट फ्लोइंग में यहीं पे ना एक अरावली हिल्स, अब यहाँ तो है नहीं, ऊपर अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स में एक जगह पड़ता है, मतलब अरावली हिल्स से ही दो नदी निकलती है, एक नदी निकलती है माही, कौन सी, माही, और एक नदी निकलती है साबरमती, जिसके किनारे गांधीनगर है और गांधी जी का आश्रम भी था साबरमती, या अहमदाबाद है, माही साबरमती। माही के बारे में आपको एक चीज बहुत फेमस ध्यान रखना, माही नदी ऐसी नदी है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझते हो, एक 23.5 डिग्री जैसे इक्वेटर है, अर्थ के बीचों बीच में एक लाइन है ना, इक्वेटर लाइन ओरिजिनल में नहीं है, अजम्पशन, वैसे 23.5 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वैसे 23.5 डिग्री नीचे ट्रॉपिक ऑफ क्या है, कैप्रिकॉर्न। माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है, माही रिवर अकेली ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है। उसी तरीके से अफ्रीका में कॉन्गो रिवर है, या जायरे रिवर, कॉन्गो या जायरे, ध्यान से सुनिएगा, अफ्रीका में कॉन्गो देश का भी नेम है, या जायरे, ये नदी इक्वेटर को दो बार क्रॉस करती है, कौन सी रिवर, कॉन्गो या जायरे। ऐसे ही जाम्बिया में एक नदी है जेम्बेजी, ऐसे ही जाम्बिया में एक नदी है जेम्बेजी, ये नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार कट करती है, तीन वे आपको पता चला, तीन लाइन, इक्वेटर को दो बार कट करने वाली नदी कॉन्गो।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से ऊपर है, इसको दो बार कट करने वाली नदी माही। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के नीचे है, इसको दो बार कट करने वाली नदी जैम्बेजी। ठीक है, जैम्बेजी जाम्बिया में, देश का नेम जाम्बिया, कांगो देश का भी नहीं। दो नदी माही दिखी, तो नंबर वन पे सबसे लंबी नदी जो बेस्ट फ्लोइंग है वो है नर्मदा, सेकंड पे है तापी, थर्ड पे है माही। ठीक है, आया था यूपीएससी के प्री में और गलत कर गया, ये दोनों पता था कि ये फर्स्ट नंबर पे लंबी है, सेकंड नंबर, इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया। और एक नदी का नाम दिया था केरला का पेरियार, मेरे लगा माही छोटी मोटी होगी, हमने सुने आज की पेरियार तो सुने, इसको थर्ड पे मार के आए, ये फोर्थ पे, उसमें मिलान बना रहा था कि लंबाई के हिसाब से आप निकालिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में, नंबर वन नर्मदा, सेकंड तापी, थर्ड में माही होनी चाहिए थी, मैंने मार दिया पेड़िया, हो गया गलत, साथ में निगेटिव। सुना है ना जी? अरे मैक्सिमम हाँ कॉम्पिटिटिव सारे एग्जाम में, एक आधी दो में होगा जिसको नहीं रहेगा। ठीक, चार नदी हो गई। अब यहां पे गोवा है, ठीक है जी, गोवा में इसी वेस्टर्न घाट से एक नदी निकलती है, नदी का नेम है गोवा की बड़ी फेमस रिवर, नाम है मांडवी, नदी का नेम। और एक और नदी है गोवा में जुआरी, ZURI, छोटी सी नदी, घूमने गए तो हम लोग दो बार क्रॉस किए। अब देखो केरला आओगे तो यहां दो नदी है, एक नदी बड़ी फेमस है, नाम है पेरियार, नदी का नेम, और यहां पड़ता है कार्डमम हिल्स, इंग्लिश में बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। आपसे पूछेगा इंडिया का लास्ट माउंटेन कौन सा है, कौन सा आएगा क्वेश्चन में, कार्डमम नील महेंद्र गिरी। चलिए देखिए, तो पेरियार एक रिवर और यही केरला में नदी है जिसका नेम है भरत पूजहा, नदी का नेम भरत पूजहा। और ये जो पहाड़ी साउथर्न साइड मैंने बताया यहाँ कौन है, कार्डमम हिल्स, हिंदी में इलायची की पहाड़ियाँ, यहाँ दिखेगा। और इसी कार्डमम हिल्स में आपको एक चोटी दिखेगा महेंद्र गिरी, 1654 मीटर ऊंचा, तो ये स्टर्ड घाट है ना बाबू, ये अलग पहाड़ी है, ये अलग पहाड़ी, ठीक है वो अलग। चलिए अब देखिए वेस्ट साइड की यही सब नदी हुई, टोटल सात नदी वेस्ट साइड आपको पढ़नी है। सबसे लंबी नर्मदा निकली अमरकंटक से, गिरी जाके किसमें, अरब सागर, अमरकंटक कहाँ पड़ता, मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर में नदी का नेम तापी, हिंदी में लिखते हैं ताप्ती, निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गिरती जाके कहाँ पे, अरब सागर। थर्ड नंबर में लंबी नदी कौन है, माही, माही कहाँ से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों के लगभग से, या मालवा प्लेट्यू अरावली की पहाड़ी, वहीं पे। दो बार किसको कट करती है ये, बहुत अच्छा। फोर्थ नंबर में साबरमती पढ़ लिए, अरावली से निकली और यही अरब सागर में मिलती है। इस जगह का नेम है गल्फ ऑफ खम्बत, गल्फ समझते हो, जहाँ नदी समुद्र से मिले उसको बोलते हैं खाड़ी, हिंदी में खाड़ी, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ ऑफ खम्बत। बे मीन्स भी खाड़ी और गल्फ मीन्स भी खाड़ी, गल्फ होता है थोड़ा सा छोटा एरिया और बे होता है कैसा, थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए बे ऑफ बंगाल, क्योंकि ये बड़ा है, ये गल्फ क्योंकि छोटा है, इसका नाम है गल्फ ऑफ खम्बत। अब देखो चार नदी तो यही हो गई, पांचवी फेमस है मांडवी, छठी है पेरियार और सातवीं भरत पूजहा, ये दोनों कहाँ बहती है जी, इधर केरला में। चलिए वेस्टर्न साइड रिवर्स आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गई, हम लोग चले किस पे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अगर बात करें तो शुरुआत हम लोग करते हैं, एक नदी है ऊपर रांची में झरना पड़ता है हुंडरू फॉल्स, रांची कभी जाओगे तो वहां पे एक वाटरफॉल है, नेम है हुंडरू फॉल, 98 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है, मैंने तो 2-3 बार वहां पे पिकनिक मना लिया। ठीक है, रांची शहर के किनारे से स्वर्णरेखा बहती है, वो जमशेदपुर, जमशेदपुर फैक्ट्री को पानी देने वाली नदी दो है, स्वर्णरेखा और खरकई, तो रांची के पास से स्वर्णरेखा निकलती है और इधर उड़ीसा, उड़ीसा कोस्ट, उड़ीसा के समुद्र तट पे जाके ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल से। तो सबसे पहली नदी जो शुरुआत में आई ये कौन सी आई बाबू, स्वर्ण रेखा। ठीक है, कहां से निकली है,
कुंडरू फॉल्स रांची, गिरीगह ब्यो बंगाल, इसके किनारे बसा हुआ शहर कौन है रांची और साथ में कौन जमशेद जिसको टाटा बोलते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरी एक नदी है, नाम इसका ब्राह्मणी, नदी का नेम ब्राह्मणी। ठीक है, अब ये कहां से निकलती है, ये निकलती है वही छोटानागपुर कलेक्टिव से। ठीक है, जहां पे झारखंड और उड़ीसा का बॉर्डर है उसी आसपास से निकलती है बाहर ब्राह्मणी। फिर एक नदी है बैतरणी, इधर ही छोटी छोटी एक लंबी नदी फिर आती है, छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर से निकलती है, छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर से निकलती है, इस नदी का नेम है महानदी। नदी का नाम महानदी, काम भी वैसा महानदी। समुद्र में मिलने के पहले डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, वो क्या है डेल्टा, ये जो ट्रायंगुलर सा बना, ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर जो तीन साइड से पानी से घिरा रहे, ऑल थ्री साइड से पानी से घिरा रहे, उसको बोलते हैं डेल्टा। पेनिनसुला था, तीन साइड से पानी से घिरा है, चौथा जमीन है, लेकिन ये जो डेल्टा है तीन साइड से, देखो ये डेल्टा है, ये एरिया ये डेल्टा है, दो साइड से नदी का पानी और तीसरी साइड से किसका पानी, ओशन का वाटर, समुद्र का पानी, उसको डेल्टा। तुम लोग पढ़े थे वो सुंदरबन डेल्टा, एक साइड से पद्मा, एक साइड से हुगली, नीचे बे ऑफ बंगाल था वो डेल्टा, ट्रायंगुलर सा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। अच्छा, कल पढ़ाए थे एक रिवर राइन आइलैंड था बहुत बड़ा सा, मजूरी, कहाँ पड़ता है, असम। अच्छा, इसको सुने कि ब्लॉक बना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट, ठीक, इसको क्या बना दिया गया, तो रायपुर से एक नदी निकली, इस नदी का नेम क्या है महानदी। ठीक है, और महानदी पे ही एक बांध बनाया हुआ है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है, नाम है हीरा कुंड है। महानदी पे ही एक बांध बनाया हुआ है जो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, नेम क्या है हीरा कुंड है। ठीक है, संबलपुर जिला पड़ता है। अब देखिए ये जो थाल पास मैंने आपको लिखा था ना, ये मुंबई है, अगर मैप पे ऐसा एरो करके दिया रहे तो कौन सा जगह है, मुंबई से नासिक, यहाँ एक जिला पड़ता है, जगह का नेम मैंने क्या बोला नासिक, पहले भी आपको पढ़ाया, यहाँ कुंभ मेला भी लगता है, चार कुंभ मेला लगाने का जगह था, उसमें से एक था हरिद्वार, दूसरा था प्रयागराज, तीसरा था उज्जैन और चौथा नासिक। हाथ नहीं रखे उस पर पढ़ना चाहिए, कंसेंट्रेशन नहीं, नासिक, नासिक में ही त्र्यंबक पहाड़ी है और यहीं से नदी निकलती है, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नाम है गोदावरी, कौन सी रिवर, इसको दक्षिण की गंगा या बृहत गंगा भी बोलते हैं, कौन सी नदी को, तो कहां से निकले नासिक में, कौन सा जगह, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। नासिक क्यों फेमस था, तीन चीज के लिए फेमस है, पहला कुंभ मेला के लिए, कुंभ मेला लगता है अभी, कौन से नदी, यही गोदावरी नदी में लगता है, उज्जैन में जो लगता था वो नदी थी छिपरा, हाँ सिपरा, इंग्लिश में, हिंदी में छिपरा लिखा है, कैसे भी आपको मैं बोला, इंग्लिश में टापी, हिंदी में ताप्ती, तो ये आपको ध्यान रखना, यानी कि कंफ्यूज हो जाना अलग अलग नहीं, तो नासिक से निकली नदी गोदावरी तीन चीज के लिए फेमस है, पहला बहुत ज्यादा अंगूर के लिए, अंगूर ग्रेप्स के लिए, ऑरेंज के लिए नागपुर, यहाँ नागपुर आएगा उसको बोलते हैं ऑरेंज सिटी। ठीक है, पहला ग्रेप्स के लिए, दूसरा प्याज, भारत में सबसे ज्यादा प्याज कहाँ होता है, नासिक, और थर्ड नंबर पे यहाँ किसके लिए, कुंभ के लिए। ठीक, ये जो थाल पास है ये मुंबई से नासिक जाने में आता है, आपसे पूछेगा थाल पास कौन से दो शहरों को मिलाता है या जोड़ता है, कौन सा दो शहर, मुंबई नासिक, ये एरो वाला कौन सा शहर था, मुंबई। ये जो बोर्ड पास है मुंबई से यहाँ पे पुणे है, पुणे को मिला था, बोर्ड पास किसको किसको, मुंबई से पुणे को मिला था, और ये जो पाल पास है ये साउथ इंडिया में केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु, तो कष्ट भी नहीं कष्ट, ओके, एक गोदावरी गई है। अब वेस्टर्न घाट में ही एक जगह पड़ता महाबालेश्वर, महाबालेश्वर शिव जी का बड़ा फेमस मंदिर है, यहां से नदी निकलती है जिसका नेम है कृष्णा, नाम सुने कृष्णा का,
लोग पंडित जी लोग भी बोलते हैं। और साउथ इंडिया से ही एक और नदी, इसकी सहायक नदी है, उसका नाम है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। इस दोनों के बीच में जो ये एरिया, इसको क्या बोलेंगे, दो बोलेंगे जी, दो बताए थे, डू मतलब टू और अब मतलब एरिया, दो नदी के बीच का जो एरिया उसको दो बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं दिया या दीरा, लखीसराय के लोग उसको सीधा नहीं बोलता, टेढ़ा बोलता है, दीरा बोलता है। तो दो नदी है कृष्णा तुंगभद्रा, दोनों नदी के बीच में ये जो जगह है इसका नेम है रायचूर द्वीप, बड़ा फर्टाइल एरिया, और इसके लिए पुराने जमाने बहुत सारी लड़ाई हुई। कौन सा दो? रायचूर द्वीप फर्टाइल रहेगा ना, नदी हर साल पानी लाकर डालेगी, नया मिट्टी डालेगी तो फर्टाइल। तो ये नदी है कृष्णा, साउथ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी, थर्ड पे आती है महानदी। चलिए अब कर्नाटका में एक जगह पड़ता है ब्रह्मगिरी रेंज, ब्रह्मगिरी रेंज, यहां से नदी निकलती है, साउथ इंडिया बड़ी फेमस रिवर है, ठीक है। इस नदी का नाम है कावेरी, नाम सुने हो, इस नदी का नेम कावेरी। इसके पानी के लिए कर्नाटका और तमिलनाडु आपस में लड़ते रहता है, क्योंकि साउथ इंडिया में ये पानी के लिए कावेरी नदी बहुत ज्यादा चौड़ी नदी, बहुत फर्टाइल रिवर, ठीक है। ये कावेरी, कावेरी और कृष्णा के बीच में ना एक और नदी पड़ती है, इसका नाम है, यहाँ जब तुम आओगे कावेरी और कृष्णा के बीच में, इसका नाम होगा पेन्नेरू, इधर गया जाए पेन्नेरू, पेन्नेरू, कावेरी कृष्णा के बीच में एक नदी है, नेम क्या है, पेन्नेरू। अब जरा सा नदी जोड़ो ऊपर से, सबसे पहले सब जोड़ लो ऊपर से, तुम देखते जाना, सबसे पहले स्वर्णरेखा नेम की नदी थी, निकलती थी रांची में, जगह का वो फॉल का नेम था हुंडरू फॉल, हुंडरू फॉल से स्वर्णरेखा निकली, बहती थी रांची, फिर जमशेदपुर और गिरती थी बे ऑफ बंगाल। उस पर नदी है ब्राह्मणी, निकलती थी छोटा नागपुर प्लेट्यू से, झारखंड और उसके उड़ीसा के सीमा बॉर्डर से ये गिरती है। फिर एक नदी थी बैतरणी, बताए थे ना तीन नदी उधर से, उस पर एक बड़ी नदी आती है महानदी, निकलती है छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर से, गिरी। महानदी पे दुनिया का सबसे लंबा बांध वाला हुआ कौन सा, हीरापुर। फिर एक बहुत साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी निकलती है गोदावरी, कहां से, नासिक में एक पहाड़ी था, क्या नाम था, त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबक से निकलता था, निकलती थी और बे ऑफ बंगाल में जाती थी। फिर महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी, कृष्णा की एक बड़ी लंबी साउथ मतलब वो नदी है, सहायक नदी, नाम क्या है, तुंगभद्रा। फिर फेमस नदी में कौन है, कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज से निकली इधर गिरी, और एक और नदी है पेन्नेरू, जो ये भी निकलती है वेस्टर्न घाट के लगभग से और जाके गिर जाती है इसमें बे ऑफ बंगाल। तो ये सारी आपकी कुछ ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, आपको सबका ओरिजिन अगर थोड़ा बहुत ये ध्यान रहे सीरीज वाइज की कौन बड़ा से छोटा है, ठीक है, बड़ा से छोटा, वैसे ईस्ट का वेस्ट का अगर आप कर ले तो बहुत हद तक सही हो जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद।